नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है मूवी सेक्टर 36। बात करेंगे कैसा लगा ये मूवी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वेलकम टू मूवी डेयरी, मैं हूं शुकेंदु। तो फिर ज्यादा देर ना करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अभी इस वीडियो को ऑफ कर दीजिए और जाकर नेटफ्लिक्स के अंदर इस मूवी को जरूर देखिए। मेरे लिए ये एक मस्ट वॉच मूवी लिस्ट में घुस चुकी है। इट्स अ फैंटास्टिक मूवी। इसके अंदर हम लीड रोल पर देख पाएंगे दीपक डोबरियाल और विक्रांत मासे को। अगर आपने 2006 की नोएडा सीरियल किलिंग केस के बारे में सुना है तो ये जो फिल्म है ये उसी के ऊपर बेस्ड है। लेकिन हाँ, हूबहू उसी घटना को यहाँ दर्शाया नहीं गया है, यहाँ जो है चीज़ों को फिक्शनलाइज्ड किया गया है। और आपको बता दूँ, इसी घटना के ऊपर आपको कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी देखने को मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूँ, ये जो फिल्म है ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग फिल्म है। तो जो कमज़ोर दिल वाले इंसान हैं उनके लिए ये फिल्म बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। इस मूवी का जो फर्स्ट हाफ है बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो भी यहाँ पर दिखाया जाता है उससे इस फिल्म का जो मकसद है वो बड़ी अच्छी तरीके से सर्व होता है। दरअसल अगर आपने इस घटना के बारे में सुना है तो आपको बता दूँ, ये जो कहानी है ये बेसिकली बड़ा डिस्गस्टिंग एक कहानी है। और इस फिल्म के अंदर बिल्कुल वही क्रिएट करने की कोशिश की गई है जो कि करने में सफल रहता है मेकर्स। इस फिल्म का जो राइटिंग डिपार्टमेंट है उनको मेरी तरफ से हैट्स ऑफ। मतलब ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो फिल्म है ना ये सिर्फ एक सीरियल किलर ड्रामा बनकर नहीं रहता, उससे ऊपर उठता है और कई सारी सोशल कॉमेंट्रीज भी देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ बिल्कुल भी किलर के हरकतों को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की गई है। स्क्रीन प्ले के अंदर आपको एक्सपेरिमेंट देखने को मिलता है, साइकोलॉजिकल चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। स्क्रीन प्ले के अंदर आपको भर भर के एज ऑफ द सीट मोमेंट्स भी देखने को मिलता है, डिसगस्टिंग मोमेंट्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इस फिल्म के अंदर जो कैरेक्टर राइटिंग किया गया है ब्रिलियंटली उसको किया गया है। मतलब दोनों कैरेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स को इस तरीके से लिखा गया है कि दोनों सेम है लेकिन फिर भी डिफरेंट है। विक्रम मासे का जो कैरेक्टर है उसकी कैरेक्टर का जो डायनामिक्स है आपको चौंका देने वाला है। इस फिल्म के अंदर जो डायलॉग्स लिखा गया है वो भी बहुत ही इम्पैक्टफुल है और आपको मीनिंगफुल डायलॉग भी यहाँ पर सुनने को मिल जाता है। और मीनिंगफुल मतलब लिटरेली आपको यहाँ पर मेटाफोरिकल डायलॉग्स भी देखने को मिल जाता है। इस फिल्म के अंदर जो एडिटिंग किया गया है बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है। बहुत ही अच्छा अच्छा कुछ मोमेंट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ एडिटिंग। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो विक्रांत मासे ने यहाँ पर बस फोड़ डाला है। दीपक डोबरियाल एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा कलाकार है जिसको बॉलीवुड ने ठीक तरीके से इस्तेमाल ही नहीं किया। उन्होंने इससे पहले भी अपने आप को बहुत बार प्रूव किया है और इस फिल्म के जरिए इस फिल्म के अंदर भी अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से प्रूव किया है। ओवरऑल यही कहूँगा कि सेक्टर 36 एक ऐसी मूवी है, अगर आप ट्विस्ट एक्सपेक्ट करते हैं एक फिल्म से तो आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ये एक ऐसा फिल्म है जो कि बहुत ही डिस्टर्बिंग है, डिसगस्टिंग एलिमेंट से भरपूर है, लेकिन एक बहुत ही हिला देने वाला मूवी है। अगर आपने देखा है ये फिल्म तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू। जय सिनेमा।